नमस्कार, स्वागत है आपका जनहित आवाज में। मैं हूं आपके साथ पूजा। और आज यहां यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के यहां कार्यालय में आज जो गठन हुआ है, जो भी आज मुद्दा रहा, वही उसी सब पे आज हम इनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले नाम जान लेते। सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आलम है जी। तो सर, आज ये किस चीज पे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और क्या मुद्दे थे इसमें? जी, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये आयोग का गठन किया है कि इसके विषय में ये कार्यक्रम रखा गया है यहाँ पर, तो उसका माननीय प्रधानमंत्री जी का इस आयोग के गठन के लिए धन्यवाद का कार्यक्रम था ये। तो अब आगे को जो इसका विषय है, तो स्वागत का कार्यक्रम था ये माननीय प्रधानमंत्री जी का, कि जो भी इस आयोग का गठन किया है तो उसका माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। अच्छा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये गठन किया तो उसका धन्यवाद के लिए जी 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 रखी गई थी। अच्छा जी, जो कि आयोग का गठन के मतलब आयोग का गठन किया है और उसमें जो है पांच मतलब मुस्लिम दलित जाति के लोगों को इसमें जोड़ने का की मांग रखी है जी। सर, क्या नाम है आपका? जी, अब्दुल हकीम आवारी, धोबी समाज से जी। ये केजी बालाकृष्णन आयोग का मतलब ये गठन किया गया है, तो इसमें क्या मतलब है, खूबियां क्या है जो इससे आप धन्यवाद दे रहे हैं? जी देखिए, खूबी तो सबसे पहले ये है कि कम से कम इतना तो हुआ कि जो हमारे जो दलित मुसलमान भाई हैं, क्रिश्चियन मुसलमान दलित भाई हैं, जो वंचित हैं, शोषित हैं, उनकी तरफ नज़र की गई है, उन पर इनायत की गई है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मोदी जी का, और हम बार बार उसका शुक्रिया अदा करते रहे हैं। जब भी उन्होंने चाहे वो सुप्रीम कोर्ट को जवाब दिया हो, चाहे आज वो कमेटी बनाए करके गठन किया गया है, लेकिन यहाँ एक शिकायत है। यहाँ शिकायत ये है कि जैसे कि 1956 में बिना किसी गठन के सिख दलितों को वापस लिया गया था, जैसे कि 1990 में बिना आयोग के गठन के सिखों को वापस लिया गया था, उसी तरह से आज भी होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। ये यहाँ सवाल ये उठता है कि कहीं ना कहीं नियत पर सवाल आता है कि नियत पर सवाल मतलब कैसे? नियत पर सवाल ये आता है कि पॉलिटिक्स अपनी जगह है और संवैधानिक अधिकार अपनी जगह है। पॉलिटिक्स ठीक है, हर आदमी अपने वोट के लिए वो पॉलिटिक्स करता है, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, बीजेपी है, आप है, कोई भी पार्टी है, वो सब पॉलिटिक्स करती है। लेकिन ये हमारा अधिकार पॉलिटिक्स में ना फंसे। हम चाहते हैं कि इसको आयोग की जगह, जिस तरह से बिना आयोग के 1956 में सिखों दलितों को वापस लिया गया था और जिस तरह बौद्धिस्ट दलितों को वापस लिया गया था, उसी तरह से केवल पैरा थ्री को हटा करके इस पे जो धार्मिक बाउंडेशन है वो हटनी चाहिए। गठन किया है आपने, बहुत अच्छी बात है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब आपने हम करीब आप भी एक और मांग रह गई आप लोगों। जी हाँ, यहाँ बहुत बड़ा पेच है। तोहमतें लगाते रहते हैं। जी जी नहीं, तोहमत नहीं है, हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपने हमारी तरफ ध्यान दिया है, क्योंकि पिछली सरकार जो आज मौजूद नहीं है और आज इसकी जो स्थिति है उसको भी खत्म करने का काम हमने किया है। बीजेपी की अपनी कोई स्पेशल पॉलिसी नीति थी, वो जो आज सरकार बनी हुई है उसको, पिछली सरकार को यानी कि कांग्रेस को खत्म करने का काम भी हमने किया, क्योंकि वो अधिकार भी उन्होंने छीना था और 70 साल तक हमें लटका करके भी उन्होंने ही रखा था। आज हमें उम्मीद थोड़ी सी जगी, वो पहली उम्मीद जगी जब हमें हमारे मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट को जवाब दिया था, उस दिन हमें जो उम्मीद जगी थी, हमने तब भी धन्यवाद किया था, हम आज भी धन्यवाद कर रहे हैं कि चलो कुछ तो आगे बढ़ा। कहीं ना कहीं ये नज़र आया कि भी हाँ, हम दलितों को, हम पिछड़ों को, हम वंचितों को कहीं से पूछ लिया आप लोगों को। पूछा गया सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शब्बीर अहमद मंसूरी है। जी, जो ये आयोग गठन किया गया है, इसके फायदे तो जो खूबी है वो तो बता रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ प्रभाव भी बता रहे हैं कि इस तरीके के प्रभावित करने वाले प्रभाव भी हैं, जो तो अभी इसके फायदे क्या हुए हैं और कितने लोग जुड़े हैं और कौन कौन लोग रहेंगे इसमें? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। विस्तार पूर्वक मैं ये बताना चाहूँगा कि इसको आपको भी समझने की बहुत जरूरी है कि ये आखिर है क्या। भारत के अंदर 1936 में जब अंग्रेजों की सरकार थी,
तब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने एक मांग रखी थी कि भारत में ऐसे ऐसे लोग हैं जो खानदानी पेशा करते हैं, यानी सफाई करने वाला वो खानदानी हो जाता था, क्योंकि कर्म से ही कुर्मा है, काम के आधार पर जातियाँ बनी थी। तो ऐसी ऐसी जातियाँ हैं जो किसी तरह अपना पेट तो भर सकती हैं लेकिन वो विकास नहीं कर सकती। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ये मांग रखी थी कि इन लोगों को गिनती की जाए और इनको स्पेशल कोटा दिया जाए। तो स्पेशल कोटा में तीन कैटेगरी में देश के लोगों को रखा गया। 340 में अनुच्छेद 340 में ओबीसी को रखा, 341 में एससी को रखा, 342 में एसटी को रखता है। और उसके बाद ये कहा कि आर्टिकल 15 जो हमारे देश का ये कहता है कि देश में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, नस्ल के नाम पर, रंग के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। 36 से लेके 50 तक वो खानदानी पेशेवर, वो चाहे जिस धर्म के भी हों, वो इसमें शामिल थे। लेकिन 10 अगस्त 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार थी, वो राष्ट्रपति आदेश लाकर ये कहा सिर्फ उनको मिलेगा जो हिंदू धर्म को मानेंगे, अगर किसी और धर्म के मानने वाले होंगे तो उनको ये नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अनुच्छेद 15 का वायलेंस हुआ। अब सवाल ये उठता है कि उसके बाद 1956 में सिख मजहब के लोगों को शामिल कर लिया दोबारा से, 1990 में बौद्ध धर्म के लोगों को दोबारा शामिल कर लिया, लेकिन भारत की सिकंड आबादी दलित मुसलमानों को आज तक शामिल नहीं किया गया, जिसका ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा 1994 से रोड से लेके कोर्ट तक लड़ाई लड़ रही है और अपनी आवाज़ को उठा रही है। अब सवाल ये उठता है कि कई बार नोटिस गए, माननीय ये कांग्रेस सरकार जो थी उसको नोटिस दिए गए, कांग्रेस ने इसका जवाब नहीं दिया। 21 जनवरी 2011 को नोटिस दिया गया था लेकिन इसका जवाब माननीय कांग्रेस ने जवाब नहीं दिया। अब इतनी उम्मीद ये जगी है कि भाजपा की जो आज की सरकार है इसने लगभग 94 या 96 पेज का जवाब दिया, उस पर उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खोट है। अब सवाल ये उठता कि सरकार ने दोबारा से ये केजी बालाकृष्णन आयोग बनाया, आयोग तो पहले भी बने थे, 2005 में राजेंद्र सच्चर आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और रंगनाथ मिश्रा आयोग ने रिपोर्ट सौंपी, अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि मुसलमानों की हालत देश में बहुत पिछड़ों के पीछे जा चुकी है, इनको अनुच्छेद 341 में अगर शामिल ना किया गया तो इनकी हालत ख़राब हो जाएगी, इसलिए कि देश समाज की अगर तरक्की होती है तभी देश की तरक्की होती है, अगर समाज की तरक्की नहीं होगी तो देश की तरक्की नहीं होगी। अब जंगे आज़ादी में मुसलमानों ने बराबर का रोल निभाया। अच्छा, अभी आपने कहा कि मुसलमान पिछड़ रहे हैं और पिछड़ते ही जा रहे हैं, तो ये इसका जिम्मेवार कौन है? हाँ, वही बता रहा हूँ। देखिए, सरकार हमारी माँ बाप होती है। हाँ। हम लोग खानदानी पैसे वाले या रईस नहीं हैं। हमें तो छुआछूत के नाम पे जब सताया गया, मारा गया, तो हम लोग दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हुए सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए कि छुआछूत हमें हमारे पे ना रहे। तो उसमें इस्लाम धर्म में भी लोग आए, सिख धर्म में भी लोग आए, बौद्ध धर्म में भी लोग आए, लेकिन सबसे बड़ा जो तबका वो इस्लाम धर्म में आया। तो हम कोई अरब से आए मुसलमान तो नहीं है। अब संविधान के अंदर तो ये लिखा हुआ कि सफाई करने वाला खानदानी, चमड़ा का काम करने वाला खानदानी, रुई का काम करने वाला खानदानी, तो वो खानदानी पेशेवर हम भी तो हैं भाई। उधर हम कर रहे थे, इधर धर्म बदल के इधर आ गए, तो काम तो वही है, जाति वही है हमारी। काम करेगा तो उससे उसके हिसाब से उसकी जाति या धर्म जोड़ दिया जाए। हाँ, जो कर्म से ही तो कुर्मा है भारत के अंदर। भाई अगर लकड़ी का उस टाइम पे काम नहीं थे, यही काम थे, अगर वो काम करने लग गया तो वो चमड़ा का काम करने वाला वो मतलब दलित हो गया, शूद्र हो गया, ये लोगों के बनाए हुए नहीं है भ्रमित। ये खानदान, ये जो उस समय जब ये जातियां बनी थी तो वो खानदानी काम के आधार पे बनी थी। अगर लकड़ी का काम कर रहा तो उसे बढ़ई कहा गया, लोहार का काम कर रहा तो उसे लोहार कहा गया, और उसका बच्चा दर बच्चा खानदान आज तक चला रहा है। अब सवाल उठता है कि मोदी जी ने केजी बालाकृष्णन आयोग बनाया,
आयोग से ये कहा कि ये पता कर, 2 साल का समय दिया कि ये पता करो कन्वर्टेड मुस्लिम कौन है। अब सवाल यहाँ पे आता कि हमारे बाप दादा लकड़ दादा छकड़ दादा कभी इस्लाम कबूल करके आए, मतलब उस उधर से कन्वर्ट होके इधर आए, तो हम उसका प्रमाण कैसे दे सकते हैं? हम तो वो मांग रहे हैं कि आपने हमारा हमारी बाल्टी यहाँ रखी थी, इसको आपने 10 अगस्त 1950 को आपने उधर कर दिया, वो बाल्टी हमारी वहीं पर रख दो। मतलब आप हमें मिल रहा 36 से लेके 9 अगस्त 1950 तक हम शामिल थे, 10 अगस्त 1950 को आपने धर्म के नाम पर क्यों बंदिश लगाई? और बंदिश लगाई तो उस बंदिश को खोल दीजिए, हम आपके साथ हैं। और यही केजी क्या नाम है रघुनाथ मिश्रा आयोग, राजेंद्र सच्चर आयोग ने जब अपनी रिपोर्ट सौंपी थी तो बात वही थी कि जो बंद करने वाला था यानी कांग्रेस सरकार ने बंद किया था और केंद्र सरकार ने कमेटी बनाई थी, रिपोर्ट तो वहीं की वहीं चली गई। आज फिर बालाकृष्ण आयोग बना है, मैं आयोग का धन्यवाद देता हूँ, लेकिन सरकार को ये चाहिए था कि कम से कम जो दलित मुस्लिम हैं 5-7 सहयोग के लिए उनको भी तो रखना चाहिए था। अब ये हमारे जज साहब तो बैठे होंगे दिल्ली में, गांव के हालात कौन बताएगा, झोपड़ियों के हालात कौन बताएगा, जाएंगे झोपड़ियों में गांव में नहीं जाएंगे? आज भी हमारे तो हम ये इस आयोग का काम क्या रहेगा, क्या किस लिए आयोग का ये काम रहेगा कि ये बताए कि कन्वर्ट होके कौन लोग आए। अच्छा। अब हम कैसे बता सकते हैं कि हमारे दादा आए कि परदादा आए कि छरदादा आए कि लकड़दादा आए, और आए तो शहर वाले तो बता देंगे, गांव वाले कैसे बताएंगे, झोपड़ियों में कैसे बताएंगे, जाएंगे हमारे जो न्यायाधीश महोदय जी हैं ये जाएंगे वहाँ पे? इसलिए इनको गांव के कुछ दलित मुसलमानों के लोगों से सहयोग लेना चाहिए, आयोग में उनको रखना चाहिए ताकि वो गांव के हालात, गलियों के हालात, मोहल्लों के हालात, झुग्गी झोपड़ियों के हालात से इनको अवगत करा सकें कि हालात ये हैं हमारे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहिद रंगरेज है जी। और मैं मोर्चा से 1994 से ऐड हूँ। और जिस तरीके से हमारे हिंदुस्तान के संविधान में धर्म की बुनियाद पर ना कुछ दिया गया और ना ही कुछ लिया गया, जो कुछ दिया गया है वो पेशे की बुनियाद पर दिया गया है, तो हमारे साथ भेदभाव क्यों? संगठन का ये मेन मकसद होता है। लेकिन माननीय मोदी जी ने जो ये आयोग का गठन किया है इसका हम धन्यवाद करते हैं, लेकिन साथ साथ जो बुनियादी हमारे जो दलित मुसलमानों के हालात है वो वही लोग बता सकते हैं जो हमारे समाज के अंदर काम कर रहे हैं। तो हमारे मोदी जी माननीय जी का, तो माननीय मोदी जी का हमारा जो है ये तो आधार है ही है, पर इसमें अगर कोई जो 4-5 अगर सदस्य शामिल हो जाते हैं तो थोड़ा और बेहतर रहेगा। बाकी जो करा है साहब ने वो तो बहुत अच्छा करा है। अच्छा, चुनाव के टाइम में इस गठन का आयोग किया है, कोई पासा तो नहीं फेंका है? देखो क्या होता है, सारी पार्टियां पॉलिटिकल स्टंट करती है, लेकिन हमारा जो मोर्चा है इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन अगर किसी पार्टी का कुछ रुख अगर हमारे संगठन के साथ होता है तो संगठन उसके साथ होता है। अभी और भी लोगों से अभी दोबारा से बात भी कर लेते हैं, अभी और भी मतलब जानकारी सही से दीजिए, थोड़ा सा लोग समझ पाए कि इस टाइम पर, इसी टाइम पर इस मिशन को, इसको आयोग को गठित किया गया, चुनाव का माहौल है, गुजरात में चुनाव है, हिमाचल में चुनाव है और आप लोग खुश हो रहे हैं, खुशी की तो बात है, खैर आप लोग स्वागत भी कर रहे हैं, लेकिन परेशानी भी दिख रही है, ऐसा क्यों? देखिए हर पार्टियाँ जो है ना अपने अपने समय पर चुनावी शगुफा तो छोड़ती हैं, और इस चुनावी शगुफा का हम ये नहीं कि हम इसका समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि हमारा अपना मकसद है कि हमें तो सरकार ही देगी जो मौके पे होगी, चाहे किसी की सरकार हो, और सरकार से ही हम अपना दर्द बयां कर सकते हैं, और थोड़ी सी उम्मीद लगी है कि पसमानदा मुसलमानों की बात मोदी जी ने की है, तो ये बात करने का ये मतलब तो नहीं कि हम उनको वोट दे देंगे या उनके हम समर्थन में चले जाएंगे। वोट ऐसा जाता नहीं है, आप लोगों का सबसे ज्यादा आप लोगों का वोट जाता है? देखिए वोट जाता है, ऐसा नहीं कि सभी लोग वोट देते हैं, वोट के लिए अपनी अपनी मर्जी है। हमारा तो दर्द यह है, चाहे वो मोदी जी की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो किसी पार्टी की सरकार हो, हमें तो हमारा जो छीना गया है ना वो हमको वापस चाहिए, मैं उसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ ना कि राजनीति। क्या वापस मिलेगा आपको, ऐसी उम्मीद है? भाई उम्मीद पे ही दुनिया कायम, हम भी उम्मीद पे ही हैं, और जब 70 साल से अब तक तो हमारा छीना ही गया, दिया तो कुछ गया है नहीं, तो अब उम्मीद पे ये कि हम भारत के नागरिक हैं, वोटर हैं, तो हमारा तो अधिकार बनता है ना, कोई हम बाहर से आए, अरब से आए मुसलमान तो है नहीं, हम तो यही थे, छुआछूत के नाम पे आपने मारा पीटा सताया, और इस्लाम धर्म में आप लोग आए हैं, बाहर से ही आए हुए हैं, इसीलिए तो मुस्लिम्स को बोला जाता है। देखिए इस्लाम बाहर से आया है, मुसलमान बाहर से नहीं आया, मुझे 10 मुसलमान दिखा दीजिए जो बाहर से आए हों,
एक भी मुसलमान दो चार को छोड़ के जो वली पैगंबर थे वो कभी आए होंगे। बांग्लादेशी बताया जाता, घुसपैठिए बताया जाता है, देश से बाहर निकालो के नारे लगते हैं। भाई बांग्लादेशी हो या घुस या पाकिस्तानी हो या किसी भी देश का हो, वो गैर कानूनी तरीके से हमारे देश में क्यों रहेगा? उसका हमारे देश से क्या मतलब है? उसको बिल्कुल निकाल के फेंकना चाहिए। हम तो यहाँ के हैं, हम जब बंटवारा हुआ तो बंटवारा में हमारे बाप दादा नहीं गए, तभी तो सीए एनआरसी एनपीआर जैसा ये कानून लाए जा रहे हैं। देखिए सीए का एक अलग मसला है, सीए का मसला ये है कि अब पाकिस्तान बांग्लादेश और तीन देशों का नाम लिया गया था, पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान, अब वहाँ से कोई आएगा तो मुसलमान तो यहाँ नहीं आएगा, आएगा तो कोई गैर मुस्लिम ही आएगा ना, सताया हुआ हो चाहे परेशान हो जैसे भी आएगा, तो अगर उसको नागरिकता सरकार दे रही तो हमें क्या परेशानी इस बात की? भाई मुसलमान मान लीजिए कि जामा मस्जिद में रह रहा है, वो मुसलमान वहाँ ज़मीन बेच के यहाँ क्यों जाएगा? जहाँ पे हिंदुओं की आबादी वहाँ तो नहीं जाएगा ना। तो अगर कोई परेशान आ ले तो हमारा शुरू से हमारे देश का ये रहा है 1956 का एक्ट है ये कि बाहर से कोई सताया हुआ परेशान या जैसे आता उसे नागरिकता दी जाए, दी जानी चाहिए। और रही बात एनआरसी की, एनआरसी में सबसे ज़्यादा परेशानी जो है वो दलितों को है और एनआरसी में सबसे ज़्यादा नुकसान आदिवासियों को है, क्योंकि उसमें ये लिखा गया है कि आधार कार्ड पहचान पत्र ये सब आपका नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, जिसके जिसके बाप दादा के नाम जमीन कभी रही होगी या है वही माना जाएगा। तो आदिवासियों के पास जमीन है ही नहीं, और 50% से ज़्यादा दलित समाज के लोग ग्राम सभा की ज़मीनों पर बसे हुए, उनके पास कहाँ से कागज आएगा? ये तो गलत तरीके से मुसलमान बैठ गए, जिनको वो बैठाने वाली ही राजनीतिक पार्टियाँ हैं, उनको जो शाहीन बाग में बैठ गए, इनको बैठने की कोई जरूरत ही नहीं थी। 80% से ज़्यादा मुसलमानों पर सबूत मिल जाएंगे बाप दादा के, इनको बैठने की जरूरत नहीं थी। ये जो शाहीन बाग में लोग बैठे थे इनको बैठने की जरूरत ही नहीं थी, गलत बैठे, क्योंकि नुकसान तो इसमें देखिए मैंने क्या कहा, आदिवासियों को था उनको बैठना चाहिए था, तिब्बत से बौद्ध आए थे उनको बैठना चाहिए था, या दलित समाज के लोग जिनके पास जमीन नहीं है, जंगल जमीन वाले लोग उनको बैठना चाहिए था जिनके पास कागज नहीं है। हमारे पास तो कागज है, हमें क्या जरूरत परेशानी होने के लिए? इतने जितने भी बागों में ये लोग बैठे थे, इतने मुस्लिम्स मतलब गलत बैठे थे क्या? मैं जो बात आंदोलन इतना बड़ा नुकसान इनका है सबसे ज्यादा, बैठ हम रहे हैं तो हमें अकल से भी तो काम लेना चाहिए। हमारे पास कागज है ना, हम क्यों परेशान हो रहे हैं? और जिनको जिनकी परेशानी थी वो लोग तो आए नहीं। भाई सबसे ज्यादा आदिवासियों को आना चाहिए था, दलित समाज के लोगों को आना चाहिए था, और जो जो आर्टिकल 342 में आते हैं उनको आना चाहिए था, बंजारा टाइप के लोगों को, जिनके पास अधिकतर लोग वैसे भी थे, सारे ज्यादा से ज्यादा मुसलमान ही थे। अब वो मुसलमान थे जिनके पास सारे प्रमाण थे और जिनके पास प्रमाण दावा खड़ा कर रहे थे, कहीं ना कहीं पीछे से राजनीतिक पावर अन्ना हजारे जी को बैठा, सच्चाई बता रहे हैं बहुत बड़ी ये कौन, क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन था लोग बैठे थे, आप सच्चाई बता रहे हैं, यानी कि बिल्कुल सच्चाई बता रहे हैं। किस मुसलमान के पास, यहाँ 50 मुसलमान खड़े हुए, पूछो सबके पास कागज मिल जाएंगे जमीन के बाप दादा के? हम लोग यूपी से आए, बिहार से आए, तो क्या हमारे पास जमीन और कागज नहीं है? जो चीज मांगा गया रिलीजन को वो चीज हमारे पास है, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है एनआरसी से। एनआरसी से उनको परेशान होने की जरूरत है जिनके पास वो कागजात नहीं है। वो कुछ जो एक्टिविस्ट थे वो इसीलिए तो बैठे थे कि भाई ये देश के जो दलित है, मुस्लिम्स दलित हैं, और जो दलित है, SC ST है, OBC है, वो कहाँ जाएगा, इसलिए भी तो बैठे थे। देखिए दलित मुसलमान भी है ना, तो कहीं ना कहीं उसके पास 80% लोगों के पास कागजात आपको मिल जाएंगे, क्योंकि जब दलित मुसलमान जब कन्वर्ट हुआ ना तो सबसे पहले वो अपनी जमीन को बनाया और अपने बल पे जिया है। यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूं, आज भी भारत के अंदर मेरठ के अंदर घर घर कैंचियां बनती, ज्यादातर मुसलमान है। मुरादाबाद में पीतल का काम होता है, ज्यादातर मुसलमान ही इस काम को करते हैं। फिरोजाबाद में चूड़ी का काम होता है, घर घर चूड़ियां बनती, मुसलमान ही है। और आज भी देश को बनारस के अंदर साड़ियां बनती, सब मुसलमान ही बनाते हैं। देश को हम लोग आज भी बड़ी बड़ी गाड़ियों पे आप लोग चलते हैं, पंचर हो जाती है तो 90% दुकानें हमारी हैं जो हम आपकी गाड़ियों को पंचर बनाते हैं। पंचरमैन भी बोला जाता है, पंचर पुत्र कहा जाने लग गया, पंचरमैन तो छोड़िए। और जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं जहां जूते बनते हैं, मालिक तो मिल जाएंगे बढ़िया जी, आज वो जूते बना रहे हैं उनको कुछ चमार नहीं कहेगा, लेकिन उस जमाने में जो जूता बनाता था उसे चमार कहा जाता था। तो जूता उन बनाते हैं, कारीगर सारे ज़्यादातर आपको मुसलमान ही मिलेंगे। जितने भारत में स्लाइटर हाउस हैं सबके मालिक आपको गैर मुस्लिम ही मिलेंगे,
लेकिन कारीगर जो मिलेंगे वो सारे मुसलमान मिलेंगे। आज भी देश की हम सेवा पहले भी करते थे और आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। सबसे ज़्यादा ज़मीनी हकीकत में हम ही लोग काम कर रहे हैं देश के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज यहाँ पर यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा की तरफ से यहाँ पर जो आयोग का जो गठन हुआ है उसी का धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी और उसका धन्यवाद भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर दुख भी ये है कि जो मुस्लिम्स थे उनको आज तक, जो दलित मुस्लिम्स थे जो आज तक उनको अभी तक नहीं लिया गया है, जैसे सिख आए थे और भी लोग आए थे तो उनको आज तक भी नहीं लिया गया है। कहीं ना कहीं दुख भी प्रकट किया है इन लोगों ने, लेकिन साथ में आज खुशी भी है कि ऐसा गठन का आयोग का गठन किया गया है। तो इसी के साथ देखते रहिए जनहित आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ, मैं पूजा, लक्ष्मी नगर, दिल्ली।